दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इस दिल्ली के प्रगति मैदान में मैं रीडॉन कंपनी के स्टॉल पर आया हूँ। और इस रीडॉन कंपनी ने एनएमसी और एलएफपी दो तरह की यहाँ पर बैटरी बनाई हुई है। ये सभी के सभी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए, लेकिन इनमें क्या खास बात है, किस तरह से ये लॉन्च की गई है और किस टेक्नोलॉजी के साथ ये मार्केट में आ चुकी है, कितने रुपये में आप इन्हें खरीद सकते हैं, कितने इनकी लाइफ साइकिल है और किस किस तरह से आप इन्हें खरीद सकते हैं, किस तरह से इनसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मेरे साथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। ये रीडॉन कंपनी की आपकी बैटरी है, ये मार्केट में कब से है? ये मार्केट में एक्चुअली 1.5 ईयर्स से है, बट लाइक मैंने आपको बताया कि हम पहले एक लेड एसिड इन्वर्टर बैटरीज के कंपनी मैसिमो करके, उसका सिस्टर कंसर्न है बेसिकली, रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है मैसिमो के जी। अच्छा सर, ये और बताएं कि जिस तरह से आपकी ये बैटरी है, इनके लाइफ साइकिल क्या है, इनमें टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई है और एलएफपी कौन सी है इनमें से, एनएमसी कौन सी है? देखिए, ये तो जो अभी बैटरी पैक्स रखे हुए हैं, ये तो फिलहाल अभी आउटर शेल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं दोनों, एनएमसी और एलएफपी। एनएमसी इज निकल मैग्नीज कोबाल्ट एंड एलएफपी आपका लिथियम फेरोफॉस्फेट। अब देखिए, एनएमसी एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी डेंस होती है, तो उसमें एक्चुअली ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़ी छोटी बैटरी बनती है, बट उसका एक नेगेटिव होता है कि उसमें आपको साइकिल थोड़ी कम मिलती है। तो एनएमसी में यूजुअली आपको 1000 साइकिल मिलती है, एंड एलएफपी में होता है कि एलएफपी में एनर्जी डेंसिटी कम होती है, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा भारी और बड़ी बैटरी बनती है, तो उसमें एक्चुअली बट आपको उसमें साइकिल ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज़ अराउंड 2000 साइकिल्स। एनएमसी में सर समस्या ये भी तो है कि उसमें आग लगने की समस्या भी बहुत आती है। हाँ, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी डेंसिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें थर्मल रनअवे करके एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर दिस बैटरीज, तो उसमें उसका चांस ज़्यादा है। बट जैसे कि आप देखे जाएंगे कि टेक्नोलॉजी जैसे कि जैसी बढ़ती रहेगी वैसे सेफ्टी बढ़ती रहेगी। एक टाइम पे हमारी जो गाड़ियाँ थी वो भी काफ़ी अनसेफ थी, अब देखिए अब सारी सेफ गाड़ियाँ होती है। तो ऐसा नहीं सोचने का कि एनएमसी की वजह से, अगर एनएमसी है तो आग लग जाएगी, ऐसा नहीं सोचने का, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि सारी एनएमसी में ही आग लगेगी। हाँ, बट उसमें साइकिल कम आती है, दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट कि साइकिल कम मिलेगी। सर, आपकी जो बैटरी है एनएमसी भी इनमें है, एलएफपी भी इनमें है? यस सर। अच्छा, तो लाइफ साइकिल क्या है आपकी इन बैटरियों का? हम लोग क्लेम करते हैं एनएमसी के लिए 800 तो हम गारंटी देते हैं, एंड एलएफपी के लिए हम लोग 2000 अराउंड 2000 गारंटी देते हैं। अच्छा, जिसकी लाइफ साइकिल 2000 है तो वो आप तो मतलब वो अंदाज़ा लगा रहे हैं 2000 होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना सर? हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला हम आपको गारंटी उतनी की देते हैं, उससे ज़्यादा तो मिल सकती है आपको बेसिकली जी। वो आपके यूज़ पर भी डिपेंड करता है, लाइक अगर आप थोड़ा ढंग से अच्छे से, क्योंकि देखिए बैटरी तो एक ही कंपोनेंट होता है, लाइक जो मोटर भी है आप, लाइक जैसे कि अगर आप ज़्यादा ख़राब तरीके से यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी कम रेंज भी मिल सकती है, थोड़ी कम साइकिल भी मिल सकती है आपको। अगर आप बहुत कंप्लीट डिस्चार्ज कर रहे हो, कंप्लीट चार्ज कर रहे हो, जैसे आपको मोबाइल में भी पता होगा, मोबाइल में भी बोलते हैं कि आपको एकदम 1-2% से 100% तक नहीं करने का, आपको यूजुअली 20-80 के बीच में चार्जिंग रखने की, तो उससे क्या होती है बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो हमारी बैटरी में भी सेम है ऑब्वियसली, अगर आप उसको अच्छे से शिद्दत से यूज़ करेंगे तो आपको अपनी हम जो क्लेम करते हैं साइकिल से उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अच्छा सर, अगर इनकी हम बात करें, जैसे ये वाली बैटरी है तो ये टू व्हीलर के लिए होगी? ये भी टू व्हीलर के लिए होगी। और अगर इस बड़ी वाली की बात करें तो ये टू व्हीलर के लिए है, थ्री व्हीलर के लिए? ये 60 वोल्ट 60 एम्पियर आवर है, तो ये एक्चुअली हाई पावर के लिए भी यूज़ हो सकती है, लाइक टू हाई पावर टू व्हीलर लाइक बाइक्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, और ये थ्री व्हीलर के लिए भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, हाई पावर का मतलब क्या सर? हाई पावर का मतलब बेसिकली देखिए, ये जैसे इसमें लिखा है ये 3.6 किलोवाट्स की है, तो बेसिकली हाई पावर इन द सेंस, जैसे कि टू व्हीलर्स में दो टाइप की आती है, एक लो स्पीड होती है और एक हाई स्पीड होती है। अब लो स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आर के ऊपर नहीं जाती है। अब देखिए, आपको हाई स्पीड बनाना है तो उसमें आपका वेरिएशन हो सकता है, लाइक अगर आपको बाइक बनानी है तो उसमें आपको ऑब्वियसली ज़्यादा व्हील हॉर्स पावर चाहिए होगा। अब देखिए, बैटरी तो हॉर्स पावर में नहीं चलती क्योंकि उस पर इंजन नहीं है, तो उस पर हम लोग वॉट्स पे चलते हैं। तो बेसिकली फॉर दोज एप्लीकेशन जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर चाहिए, वहाँ पे आपको बेसिकली आपकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे कि थ्री व्हीलर में आप लोग ज़्यादा लोग भी बिठाओगे, लाइक ऑटो रिक्शा में आप 4 लोग बिठाओगे, एटलीस्ट 3 लोग बिठाओगे, तो उसमें आपको ऑब्वियसली जो आपका मोटर है उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी वो गाड़ी हिलाने के लिए, तो उसके लिए आपकी जो ये बैटरी होगी इसलिए वो बढ़िया है, बट ये टू व्हीलर में भी यूज़ हो सकती है। अच्छा सर, ये और बताएं कि इनकी कीमत क्या क्या है, किस किस तरह से इनकी कीमत आप मतलब वोल्ट के हिसाब से दे रहे हैं या किस तरह से दे रहे हैं इनकी कीमत? हम वॉट के हिसाब से देते हैं, पर वॉट 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं हम विदाउट GST। तो जैसे कि मैंने बताया ये 3600 वॉट्स की है, तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, तो ये 3600 वॉट्स हो गया, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला 15 रुपीज़ पर वॉट, राइट? तो 3600 इंटू 15, तो ये वो बड़ी वाली बैटरी 54000 विदाउट GST हो जाएगी। अच्छा, यस। तो GST तो इन पर 12% लगती होगी? नहीं, 18% GST है। 12% लगती है? यस। अच्छा, तो सभी की जो कीमत है वो 15 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से ही है? यस। अभी वो हमारा स्टैंडर्ड है, बट ऑब्वियसली अगर कोई क्लाइंट आएगा एंड दे कम विद अ बिग ऑर्डर, बड़े ऑर्डर के साथ आएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ी प्राइस नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये और बताएं कि क्या कोई अगर आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो बन सकता है क्या? श्योर।
बट अभी हम फिलहाल अभी OEM से ही डील करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारी कंपनी न्यू है, ऑलमोस्ट स्टार्टअप ही है, 1.5 ईयर्स, इवन दो हम मैसिमो से जुड़े हुए हैं, तो यह हम लोग फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए तो ऑब्वियसली ये सब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में भी देख सकते हैं। अच्छा सर, अगर ये बताएंगे अगर कोई इन्वेंटर को खरीदना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट आपकी कुछ हो? सर मैं अनुराग दास हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना बिजनेस कार्ड दिखा सकता हूँ, दिस इज़ माई बिजनेस कार्ड, ओके, बट इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट आर को फाउंडर्स, अगर आपको हमारे को फाउंडर में से किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो ये हमारे को फाउंडर का बिजनेस कार्ड है। अच्छा, वेबसाइट लिखा हुआ सर इस पर? यस सर, वेबसाइट। तो दोस्तों इनका जो वेबसाइट है www.redonindia.com है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 6363584582। इनमें आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं और भी जो अगर आपको जानकारी चाहिए तो बहुत सारी जानकारी इन पर आपको मिल सकती है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।